मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। विद्यार्थियों द्वारा की गई शिकायत के बारे में गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल की प्राचार्य के बारे में जब ग्रैंड एसई न्यूज की टीम स्कूल पहुंचकर वास्तविकता जाननी चाहिए तो स्कूल के विद्यार्थियों ने हिटलर शाही वाले फरमान को सिरे से नकारते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। जी हाँ, अगर सजदा करना हो या चरण स्पर्श करना हो तो गुरु का ही सबसे पहले किया जाता है। गौरतलब है कि गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल के प्राचार्य के ऊपर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए स्कूल के विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आक्रोश जताया और साथ ही हल निकालने की मांग की थी। तो वहीं दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी विद्यार्थियों के साथ सुर मिलाया था। पर वहीं गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल के दिगर और विद्यार्थियों ने इन हिटलर गिरी फरमान को सिरे से नकारते हुए इन सब बातों को बेबुनियाद बताया। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर अध्ययन के साथ टाइम टेबल सुचारू रहते हुए शाला के माहौल को काफी अच्छा बताया। स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी चीज ठीक है हमारे लिए, मतलब जो अभी एग्जाम होते जा रहे हैं, मतलब जो जिस बच्चे का लेवल कम था उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाए गए थे। मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए मैम टाइम भी एक्सचेंज की थी, क्योंकि मतलब पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके कर। नहीं सर, प्रिंसिपल मैम से कोई शिकायत नहीं, मतलब दूसरे स्कूल के मुताबिक हम अगर कुछ होता है तो हम प्रिंसिपल मैम से डायरेक्ट आके खुद बात कर सकते हैं, अपना पर्सनल चीज भी आके हम उनको बता सकते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। एक स्कूल में डिसिप्लिन आया है और सारे सब्जेक्ट की मैम टीचर मतलब टीचर्स क्लासेस लेती हैं, सारी क्लासेस हो रही हैं और हमारी और अच्छी पढ़ाई के लिए एक घंटा और एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई थी, जिसमें सारे बच्चों का जो मेंटेन हुआ है, जो पढ़ाई का लेवल था वो भी मेंटेन हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्ल्स को सैनिटरी पैड भी अब मतलब प्रोवाइड करवाया गया है। कई बच्चे का जो स्तर था वो थोड़ा घट गया था, थोड़ा कम आया था, इसीलिए मैम ने एक घंटा एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस लगवाई थी कि बच्चों का स्तर थोड़ा और ऊपर बढ़े, क्योंकि ये आत्मानंद बन चुका है इसलिए इसके अच्छे रिजल्ट आए। प्रिंसिपल मैम कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से देखते हैं? सर, मुझे तो उनमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि उनके बाद में शिकायत तो कोई नहीं है, क्योंकि उनके आने के बाद बच्चों का जो सेल्फ डेवलपमेंट मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रही है और मैम के आने के बाद बहुत कुछ नई नई चीज़ें भी हुई हैं, तो उनके बारे में कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे का लेवल स्तर कम हो गया था पढ़ाई के प्रति, तो मैम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई है। एक्स्ट्रा क्लासेस में हमको ये मिला है कि हमारा कुछ परसेंटेज और बढ़ा है, जिस विषय में हम कमज़ोर थे उस विषय में अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और कोई मैम कब्सेंट है तो मैम एंगेज भी लगा रही है, उस जगह में दूसरे मैम आके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा पढ़ाई के प्रति बोले जाए तो पढ़ाई के प्रति अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है और पढ़ाई को के साथ साथ हम खेल कूद भी कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी आने वाला है, अभी तो हमारे सेजस का पेपर चल रहा है, सेजस का पेपर कंप्लीट होने के बाद हम आगे क्या बोलते हैं 26 जनवरी का प्रोग्राम भी मनाएंगे। एक तरफ जहां किन्हीं विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल की ही प्राचार्य पर मनमानी व हिटलर शाही का फरमान आरोप लगाकर कलेक्टर से उचित हल निकालने की मांग कर डाली, तो वहीं दूसरी ओर शाला के ही और विद्यार्थियों ने इन आरोपों का खंडन कर आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बहरहाल शाला में विद्यार्थियों को टाइम टेबल से रहना, अनुशासन के साथ रहना, अच्छी ताकीद करना अगर हिटलर शाही है तो विद्यार्थियों की मंशा क्या रही होगी, इन सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।